दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया भर में कोरोना वायरस काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि भारत में भी इसका काफ़ी ज़्यादा असर देखा जा रहा है। फिर भी दोस्तों जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने धीरे धीरे अनलॉक शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि कुछ लिमिटेड पर्सन के साथ सारे काम शुरू हो चुके हैं। ऐसे में दोस्तों आम जनता तो बाहर निकल ही रही है, अब बॉलीवुड के सेलेब्स भी बाहर आने लगे हैं कुछ आवश्यक चीज़ों के लेने के लिए, साथ ही साथ अपने ऑफिशियल वर्क के लिए भी। आपको दोस्तों बता दें कि बॉलीवुड में अजय देवगन और काजोल एक ऐसे कपल्स हैं जो कि हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं, चाहे वो अपने बिजनेस को लेकर हो, अपने काम को लेकर हो या फिर अपने फिल्मों को लेकर। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड में एक बड़ी चर्चा चल रही है कि अजय देवगन और काजोल अलग हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। आपको दोस्तों बता दें कि अजय देवगन की जो बेटी है न्याशा देवगन, वो सिंगापुर में पढ़ती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उनका एक बेटा भी है युग देवगन, जो कि इनके साथ ही मुंबई में रहते हैं। इस समय पूरी फैमिली यानी दोस्तों अजय देवगन, काजोल, युग देवगन और साथ ही साथ उनकी बेटी न्याशा देवगन सभी मुंबई में ही हैं, लेकिन जो न्याशा देवगन है वो सिंगापुर में अपनी पढ़ाई करती हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि सिंगापुर में जो कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं वो थोड़े कम हैं, इस वजह से स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो शायद खुले हुए हैं या फिर खुलने वाले हैं। इसी वजह से दोस्तों जो काजोल हैं अब वह अजय देवगन से अलग होने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सिंगापुर जाने वाली हैं काजोल अपनी बेटी न्याशा देवगन को लेकर, क्योंकि दोस्तों उनकी पढ़ाई पर कुछ भी असर न पड़े इस वजह से दोस्तों वो वहाँ जाने वाली हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही पता चला था कि अजय देवगन ने सिंगापुर में एक अपार्टमेंट खरीदा है जिसमें दोस्तों न्याशा देवगन रहती हैं। अब साथ ही साथ काजोल भी उनके साथ देख रेख के लिए जा रही हैं, क्योंकि दोस्तों एक फैमिली मेम्बर का होना इस समय ज़रूरी है अपने रिलेटिव के साथ में। साथ ही साथ दूसरी ओर अजय देवगन और युग देवगन दोनों ही मुंबई में रहने वाले हैं, तो ऐसे में दोस्तों ये दोनों अलग होने जा रहे हैं। दोस्तों अजय देवगन का मानना यह है कि आप अपने परिवार का हमेशा ही ख्याल रखें, साथ ही साथ उनके करियर का भी ध्यान रखें कि वो क्या करना चाहते हैं और उनकी मर्जी क्या है। ऐसे में दोस्तों इस लॉकडाउन की सिचुएशन में वे न्याशा देवगन जो हैं वो सिंगापुर अपनी पढ़ाई के लिए जाना चाहती हैं, और इस वजह से काजोल जो हैं वो अब न्याशा देवगन को लेकर सिंगापुर में जाकर उनके साथ ही रहेंगी। दूसरी ओर अजय देवगन जो हैं वो यहाँ पर यानी दोस्तों मुंबई में युग देवगन के साथ रहने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि अजय देवगन जो हैं वो अपनी कई सारी फिल्म के प्रमोशंस भी करने वाले हैं, इसलिए दोस्तों वे सिंगापुर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनकी व्हिच द प्राइड ऑफ इंडिया फिल्म आने वाली है, उसके प्रमोशंस के काफ़ी सारे काम चल रहे हैं और जल्द ही दोस्तों ये फिल्म हमें देखने के लिए मिलेगी। इस वजह से दोस्तों अजय देवगन जो हैं वो मुंबई में रह रहे हैं और जो काजोल हैं वो सिंगापुर जा रही हैं। तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है कि अजय देवगन और काजोल अलग हो रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अजय देवगन और काजोल जो हैं वो लेटेस्ट तानाजी द अनसंग वॉरियर फिल्म में नज़र आई थी, और दोनों की जोड़ी खूब पसंद की जाती है और बॉलीवुड के सबसे अच्छे कपल्स में से ये दोनों माने जाते हैं। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, अजय देवगन और काजोल कैसे कपल हैं और आपको तानाजी फिल्म में कैसी लगी थी इनकी एक्टिंग, ये भी कमेंट में ज़रूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा।